तो मैम के पास तो ये टेबल भी है, ये बच्चे भी है, तो मैम किसको दीज बोलेगी? मिया को। अब मैम के पास 1 2 3 4 5 मैम के पास ये 5 स्टूडेंट्स हैं, है ना, और मैम को मिला के मैम भी तो है 6 हो गए हैं, तो और टेबल भी मैम के पास ही है, तो मैम कौन सी चीज को दीज बोलेगी? टेबल को। टेबल को कैसे दीज बोलेगी मैम? दिस इज अ टेबल। टेबल तो एक है मैम के पास, टेबल तो 1 है ना, और मैम ने क्या बोला था, जो चीजें हमारे पास बहुत होती हैं वो होता है दीज, लाइक दिस, दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हैं, है ना। वी कैन ऑल्सो से दीज आर बेबीज, दीज आर बॉयज, दीज आर चिल्ड्रन। ओके, इज इट क्लियर? यस। नाउ निया स्टैंड अप, नेम द थिंग विच आर इनसॉल्युबल। कियान बैड मैनर्स, नेम द थिंग्स विच आर इनसॉल्युबल, टेल मी। यस निया, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, आप बताओ मैम। मैम तो भूल जाती है, बताओ मैम को। अभी अभिराज ने बताया मैम को कि सॉल्युबल थिंग्स वो होती हैं जो पानी में अच्छे से घुल जाती हैं, वो तो सॉल्युबल हो गई। और इनसॉल्युबल कौन सी चीजें होती हैं? कियान बैड मैनर्स, डोंट पुट फिंगर इन योर माउथ। जो घुलती नहीं है वो कौन सी चीजें होती है? इनसॉल्युबल। मैम, यस, शुगर मिक्स हो जाते हैं। यस, शुगर एंड सॉल्ट तो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, इट मींस दे आर सॉल्युबल थिंग्स। यस, नाउ नेम द थिंग दैट आर इनसॉल्युबल। अब मैम कौन चीजों के नाम बताओ जो इनसॉल्युबल है? यार सिर पर पड़ लो, जो पानी में नहीं घुलती उन चीजों के नाम बताओ। जो आपकी ये जो कैप है ये पानी में घुल जाएगी? नहीं घुलती। तो कैप क्या है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। आपकी ये जो ड्रेस है, मम्मा इसको वाटर टब में डालेगी तो क्या घुल जाएगी, उसमें मिक्स हो जाएगी? नो नो। तो ये ड्रेस भी क्या है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। ये टेबल है, टेबल, चेयर, दीज थिंग्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से बनती है, ये पानी में घुल जाती है, वाटर में मिक्सअप हो जाती है? नो नो। सो दीज थिंग्स आर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। यस। नाउ चैतन्य स्टैंड अप, यहां से डाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डोज? डोज जो दूर। योर टर्न इज ओवर, नाउ द टर्न ऑफ चैतन्य, लिसन हर हिम। यस, दूर। अब दूर क्या है? दूर क्या दिख रहा है आपको? ये विंडो है, वो बैग है, तो आप किस चीज को दोस्त बोलोगे? विंडो। विंडो कितनी है? काउंट द विंडोज। यस, दोस आर विंडोज, 1 2। ओके, नाउ टेल मी विच थिंग्स आर दोस इन क्लासरूम। आपके क्लासरूम में कौन सी चीजें दोस में काउंट होती हैं? विंडो तो हो गई है, फ्रूट्स, वेयर इज फ्रूट? आई डोंट नो। यस, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर चैतन्य, क्लैप लाउडली। यस, चैतन्य हैज लुक ऑन द वॉल एंड नोटिस दैट देयर इज फ्रूट्स ऑन द वॉल एंड फ्रूट्स आर सो मेनी, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, सो those are fruits, those are fruits. Very good, once again clapping for Chaitanya. Yes, Chaitanya, very good. वो तो पेंट है, बट हम मैम जब आपको फ्रूट के बारे में पूछते हो तो मैम वहाँ पे पॉइंट आउट करके पूछती है ना, वेयर इज स्ट्रॉबेरी, विच फ्रूट इज दिस, विच फ्रूट इज दिस, है ना, वैसे तो फ्रूट ही है ना। Now the turn of Athar. Athar, stand up. Yes. What is the meaning of word float? Nia, are we? Now stop talking. What is the meaning of word float? Float.
पानी में चीजें तैरती हैं वो क्या करती हैं, वाटर के ऊपर क्या करती हैं, फ्लोट, वो तैरती हैं। और सिंक चैतन्य नो सिंक डूब जाती हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड दीज नो दीज दीज दो पास होती है, पास होती है और क्वांटिटी में क्या होती है, वो बहुत सूर्यांश नो को बोलते हैं दीज आर स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे बच्चे हैं ना, दीज आर स्टूडेंट्स। ओके नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड दोस दोस होती है मजदूर, दूर होती हैं। और अब दूर का क्या है, दूर तो वो बैग भी है, वो वाटर बॉटल भी है, वो टेबल है, वो चेयर है, हम किसको दोस्त बोल सकते हैं, ये फ्रूट। यस आर इज राइट, दोस आर बैग्स। यस ओके गो, दोस आर वाटर बॉटल्स, यस वेरी गुड, सिट डाउन, यानी स्टैंड अप, दोस आर बैग्स, यस यस। टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबल थिंग्स,